नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता ध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में एक ऐसा नाम है जिसको युगों युगों तक बहुत ही आदर और सम्मान के साथ साहित्य जगत में याद किया जाएगा। निराला जी की कविता ध्वनि का अध्ययन करने से पूर्व एक बार हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन 11 फरवरी 1897 में हुआ और उनका निधन 1961 में हुआ। निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ और निराला का जीवन अपने आप में एक दुख भरी दास्तान कह सकते हैं, या कहें कि जीवन के उतार चढ़ावों का एक विस्तृत ब्यौरा है। लेकिन जितने आघात जीवन ने दिए उतने ही वैविध्यपूर्ण कृतित्व निराला का रहा है। ध्वनि कविता निराला जी द्वारा रचित प्रकृति चित्रण की कविता है और कवि के उत्साही और प्रकृति प्रेमी होने का एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे समक्ष। प्रकृति के माध्यम से भी कवि ने दृढ़ता और विश्वास, जीवन के प्रति आस्था का एक बहुत ही सुदृढ़ संदेश हमें प्रेषित किया है। तो आइए हम कविता प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा, उसके पश्चात हम भावार्थ व्याख्या, कठिन शब्दार्थ विश्लेषण के साथ और साथ ही व्याकरणिक बिंदुओं को भी स्पष्ट करते चलेंगे। तो सस्वर वाचन, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। बहुत ही सुंदर कविता है, इसका इसी प्रकार से काव्य पाठ किया जाना चाहिए। आइए अब हम भावार्थ व्याख्या और शब्दार्थ विश्लेषण की ओर उन्मुख होते हैं। तो प्रारंभ कर रहे हैं। यह कविता निराला जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकृति चित्रण से जुड़ी हुई है उनके। और देखिए यहाँ कवि ने बतलाना चाहा है कि कलियों और फूलों के खिलाने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। आत्मविश्वास से पूरित कवि निराला का मानना है कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कवि ने यहाँ बतलाना चाहा है कि उनमें उत्साह और ऊर्जा, उमंग भरी हुई है। अभी अभी उनके जीवन रूपी उपवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है और चारों तरफ वातावरण बड़ा ही मनोहर हो जाता है, उसी प्रकार से निराला के जीवन में भी अभी अभी खुशियों का पदार्पण हुआ है और वे और जोश और उमंग से भरे हुए हैं और कहना चाह रहे हैं
कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो देखिए, मृदुल वसंत, हम कुछ कठिन शब्दार्थ को भी देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, ये देखिए मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, ठीक है। इसके बाद हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कि जिस प्रकार वसंत आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, पात अर्थात पत्ते, चारों तरफ पेड़ों पे जो है हरे हरे पत्ते खिल, हरे हरे पत्ते हमें दिखाई देते हैं, मतलब डालियां जो है हरे हरे पत्ते धारण कर लेती हैं, उन पर कलियां खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता सुंदरता और मृदुलता ही दिखाई देने लगती है। वैसे ही कवि क्या कह रहा है कि मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। इसके साथ ही वह अपने स्वप्न भरे जो कोमल हाथ हैं, स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात के आने का सुंदर संदेश देना चाहते हैं। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि अपने जीवन का आलस्य निराशा बाधाएं आदि को भी दूर करना चाहते हैं, ताकि नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। अगर हम देखें तो कविता जो है वो उत्साह, ओज, उमंग और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, और कहें कि जीवन को पूरे उमंग के साथ जीने का हमें संदेश देती है। आप कुछ कठिन शब्द भी देख लेते हैं इसमें। देखिए, कठिन शब्दों के रूप में यहाँ पे हमें प्रत्यूष शब्द आया है। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल, और मनोहर, मनोहर का अर्थ हमें ज्ञात ही है सुंदर, मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। ये हम शब्दार्थ यहाँ भी कर रहे हैं, और शब्दार्थ आपके पाठ के अंत में भी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। कवि जो है अपने कोमल हाथों का स्पर्श देकर फूलों में समाये आलस्य निद्रा उदासी को समाप्त कर उन्हें खिला देखना चाहता है। अर्थात कवि अपने जीवन में अपनी आस्था और दृढ़ विश्वास के बल पर नई शक्ति के साथ नए रास्तों पर बढ़ना चाहता है। तो ये जो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, तो यहाँ पुष्प का अर्थ है किशोर, हमारे जो किशोर है युवा पीढ़ी है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि कवि किशोर रूपी फूलों की उनिंदी आँखों से आलस्य को हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहते हैं। वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। उनका मानना है कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि उसे जीवन में या उन्हें जीवन में अभी बहुत कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक किशोर रूपी फूल से उनमें समाये आलस्य को खींच कर उन्हें चिरकाल तक, एक लंबे समय तक खिले हुए देखना चाहते हैं, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरते रहें, अपनी महक बिखेरते रहें, अपनी खुशबू से इस संसार को सुवासित करते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर फैलाना चाहते हैं। वह अपने अनंत से सब प्राण भेंट करना चाहते हैं, इसलिए वह अपना अंत नहीं चाहते हैं। तो कवि ने कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को संदेश दिया है
कि वे अपने आलस्य को छोड़ें, उमंग और उत्साह से भर करके अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ें, अपने जीवन की मुश्किलों से हार ना माने, अपने उत्साह से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से इस संसार को स्वर्ग बना दे। उन्हें आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, ऐसी कवि की इच्छा है। और यहाँ कुछ कठिन शब्द अगर हम देखें तो देखिए, पुष्प शब्द है, सभी को पता है पुष्प फूल का ही पर्यायवाची है। तद्रालस, तद्रालस का अर्थ है नींद से बोझिल, नींद से बोझिल। लालसा मतलब इच्छा। और देखें तो नव अर्थ होता है नया। सहर्ष, ये देखिए बेटा, सहर्ष, हर्ष शब्द में सह उपसर्ग के योग से ये नवीन शब्द बना है। हर्ष मतलब खुशी, सह लग गया तो खुशी से। इसी प्रकार से और हम देखते हैं, अनंत शब्द आया है। अनंत का अर्थ होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो ये कुछ नवीन शब्द हैं। और अगर हम शब्द देखना चाहेंगे तो देखिए, पाठ के अंत में भी आपको कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसा कि मृदुल मतलब कोमल, इसके बाद है पात मतलब पत्ता, फिर निद्रित मतलब सोया हुआ, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, नींद से अलसाया हुआ। ऐसे ही है लालसा, लालसा का तात्पर्य होता है कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। तो ये है आपकी बहुत ही सुंदर कविता ध्वनि। धन्यवाद।